रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो एंडोक्राइन साइज वेल, तो ये इनके सेकेंड ईयर में होगा। अब यहाँ जो फोकस हमारा है बेसिकली मॉड्यूलर सिस्टम में, आपको पता है कि जो फर्स्ट फोर ईयर्स का टोटल जो शेड्यूल है हमारा वो मॉड्यूलर सिस्टम को टोटल कवर करता है। अब उसकी एक थीम है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को खासतौर पर बता रहा हूँ, ये जैसे एक थीम है, एक 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 मॉड्यूल है जो आप जैसे फाउंडेशन मॉड्यूल है, तो फाउंडेशन मॉड्यूल में जैसे आप फाउंडेशन मॉड्यूल में एंटर हो जाएंगे यू हैव टू एक्चुअली सी हियर द बेसिक्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल द मेडिकल साइंसेज जो प्रीवियसली हम लोग करते थे फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में करते थे हम स्टेप वाइज, अब आप एक साथ करेंगे। अब एक साथ करेंगे इसका मकसद है कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट जैसे एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी में हम तीन सब्जेक्ट्स एक साथ लेते हैं, वन इज द ग्रॉस एनाटॉमी, अनदर इज द एम्ब्रियोलॉजी एंड येट अनदर इज द हिस्टोलॉजी, और उसी के साथ आपको दो डिपार्टमेंट्स और मिलते हैं, दैट इज फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिर जो थर्ड ईयर में लिया करते थे अब दैट इज द फार्माकोलॉजी एंड द पैथोलॉजी, और उसके साथ सो फोर्थ ईयर में जब जाते थे आप तो यू यूज टू टेक एक्चुअली कम्युनिटी मेडिसिन एटसेट्रा। अब ये सारी चीजें आपको एक साथ लेनी है। अब जैसे फाउंडेशन मॉड्यूल में जो भी इंटर हुआ है, अब उसको स्टार्ट में क्या करना है, स्टार्ट में उसको करनी है जनरल एनाटॉमी, मीन्स आप ग्रास एनाटॉमी में इंटर होने से पहले आप करेंगे जनरल एनाटॉमी, और जनरल एनाटॉमी के बाद ऑनवर्ड अगर जब आप आगे आओगे तो जनरल एनाटॉमी के साथ फिर जाहिर हिस्टोलॉजी भी आपको करनी है, तो आपको करना है जनरल हिस्टोलॉजी, और जनरल हिस्टोलॉजी के बाद फिर एक चीज एम्ब्रियोलॉजी भी है, तो डू द एम्ब्रियोलॉजी आल्सो। ये तीनों के जनरल सेक्शंस आपको सबसे पहले करने हैं, ये फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आप ये फाउंडेशन मॉड्यूल जिसको कहते हैं, तो जनरल एम्ब्रियोलॉजी एटलीस्ट उसके शुरू के 8 चैप्टर्स आपको करने हैं अपने टेक्स्ट बुक के जो है लंग में, और इससे जनरल हिस्टोलॉजी में भी आपको 6 से 7 टॉपिक्स आपको यहाँ पर करने हैं, और जनरल एनाटॉमी आपको पूरी करनी है, और साइमल्टेनियसली आपके जो दूसरे सब्जेक्ट साथ साथ चल रहे होंगे उसमें से जाहिर है एक है फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में आपको बेसिक फिजियोलॉजी कराएंगे जिसमें सेल है जैसे डायरमेंट मसल एंड अदर थिंग्स आल्सो होम्योस्टेसिस एट्स वेल, और एसआई फिर बायोकेमिस्ट्री के साथ, और फिर आप जब पैथोलॉजी में इंटर हो जाएंगे तो वहां पर फिर पैथोलॉजी के बेसिक फीचर्स आपको कराए जाएंगे, बेसिक जनरल पैथोलॉजी के बेसिक जैसे सेल इंजरी एक्सेट्रा लाइक, और फिर फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी। तो एवरी सब्जेक्ट के जो जनरल फीचर्स हैं, जनरल वो पहले जो 2-3 चैप्टर सबके जो होते हैं वो आपको फाउंडेशन मॉड्यूल में, दिस विल बी एक्चुअली काइंड ऑफ ओरिएंटेशन एंड द फाउंडेशन मॉड्यूल इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ऐसा ही फिर कम्युनिटी मेडिसिन में भी। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। अब यहाँ एक्चुअली मैं फाउंडेशन मॉड्यूल वालों को ये एडवाइस तो मैं कर ही रहा हूँ कि वो किस तरीके से लेंगे, उनको ओरिएंटेशन में बताया भी गया है, एक मेरा यहाँ एक फोकस सेकेंड ईयर वालों के लिए खासतौर पर जो इस वक्त गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम और लिवर लेके बैठे हैं अपने फर्स्ट मॉड्यूल इन द सेकेंड ईयर में, उनको करना है क्या, फिर वंस अगेन द ग्रॉस एनाटॉमी, तो पहला जो एनाटॉमी का पोर्शन है, जो एनाटॉमी का जो पोर्शन है उसमें उनको करना है एब्डोमेन पूरा, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मींस नॉट द पेल्विस एंड पेरिनियम, बट यू हैव टू डू सम पेल्विस एंड पेरिनियम आल्सो बिकॉज द लोअर पोर्शन ऑफ योर एब्डोमेन एक्चुअली इज प्रेजेंट इन द पेल्विस। अब थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए क्योंकि वो अगर जीआईटी करते हैं तो उन्होंने किया है एब्डोमेन, एब्डोमेन करते हैं लेकिन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन यू नो दैट इज लाइंग इन द पेल्विस, तो थोड़ा सा पेल्विस भी उनको पढ़ना पड़ेगा। अब उनको पेल्विस पढ़ना पड़ेगा, इसका मकसद उनको एब्डोमेन भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो इसोफेगस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत थोरेक्स भी उनको आना चले, थोरेक्स उन्होंने पहले किया हुआ है, मीडियास्टिनम को पता है उनका, लास्ट पार्ट ऑफ यू सी दैट लॉन्गर पार्ट ऑफ योर इसोफेगस लाइंग इन द मीडियास्टिनम, लेकिन थोड़ा बहुत हेड एंड नेक भी देखना पड़ेगा, हालांकि हेड एंड नेक का मॉड्यूल जो है वो आप करेंगे जाके ऑलमोस्ट आफ्टर जून जुलाई, लेकिन क्योंकि नेक का पोर्शन है और नेक के पोर्शन में ईसोफेगस है और फेरेंक्स भी वहां है और साथ में ओरल कैविटी, तो ये तो हेड एंड नेक का पार्ट हो गया, लेकिन जीआईटी में आपको करना है, लेकिन यहाँ जीआईटी में ओरल कैविटी वगैरह ये नहीं कराते, उमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपका ईसोफेगस से शुरू होता है, तो आप अपने मॉड्यूल में देखा होगा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इसोफेगस, लेकिन इसोफेगस से पहले आपको करना है क्या, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाहिर है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी आप किसी भी
मॉड्यूल को अगर स्टार्ट करें, मेरी एडवाइस यही है कि सबसे पहले आप उसकी ग्रास एनाटॉमी करें, क्योंकि अगर एनाटॉमी आपको आ रही होगी तो आगे फिजियोलॉजी का एक एक कंसेप्ट भी आपको आएगा। तो आपका जो वे होना एक्चुअली होता ये है कि सेम डे पर स्टूडेंट एनाटॉमी भी कर रहा होता है, एक घंटे बाद उसको फिर उसी की फिजियोलॉजी भी बताई जाती है, और एक घंटे बाद सेम डे पर उसकी पैथोलॉजी भी। दिस रादर टू फास्ट, हैस्टी है ये बहुत। लर्निंग के साथ आप इस तरीके से सुलूक नहीं कर सकते। अब जो सुलूक कर सकते हैं या जो नहीं कर सकते, अब ये बहस है नहीं। अब मसला ये है कि ये मेथड अब यही है, अब हमें उसको कम्बैट करना है। अब यहां पर हम ये बहस नहीं कर सकते कि ये बहुत तेज है, ये इस तरीके से क्यों, ये बहस अब बहुत, इसके लिए टाइम गुजर गया। अब इसको कैसे टेकअप करना है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज एक्चुअली द सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जो चीज है वो है आपकी ग्रास एनाटॉमी। सबसे पहले आप वो करें। तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर सुन रहे हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि ये सबसे पहले जो है जो सब्जेक्ट टेकअप करें ना, वो हो एक्चुअली एनाटॉमी। तो सबसे पहले आप एनाटॉमी को टेकअप करें, और उसमें सबसे पहली जो चीज हो ना वो हो ग्रास एनाटॉमी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रास एनाटॉमी करें। ग्रास एनाटॉमी का मकसद ये है, और जब भी आप ग्रास एनाटॉमी उठाएं, जैसे जीआईटी में, अब जीआईटी के अंदर आप जहां देखें ना, क्योंकि एब्डोमेन आप पढ़ रहे हैं, इत्तेफाक से है जीआईटी एंड लिवर, लेकिन मॉड्यूल में सबसे पहले रखा गया है एंटीरियर एब्डोमिन वॉल, जिसका एस सच देखा जाए तो जीआईटी के साथ कोई एस सच डायरेक्ट वास्ता है ही नहीं, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि जाहिर है कि एंटीरियर एब्डोमिन वॉल किस मॉड्यूल में हम डालें, तो बेस्ट यही लगा होगा कि इसको एनाटॉमी के साथ, ग्रॉस एनाटॉमी में हम इसको जीआईटी के साथ ही डाल देते हैं। ठीक है, आप उसको ग्रॉस एनाटॉमी में अच्छी तरीके से पहले एंटीरियर एब्डोमिन वॉल करें, उसका स्ट्रक्चर देखें, और जब भी आप जाएं ना, एक स्टोरी डेवलप करो। आप ऐसे नहीं जाओगे एकदम से आपने रीडिंग शुरू कर दी। आप देखें, आप जब भी एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो, आप टेबल पे जाएं और देखें और सोचें ये कि टेबल पे एक एक मॉडल या एक डेड बॉडी इस वक्त टेबल पर मौजूद है, और आपका फोकस उसका एंटीरियर एब्डोमिन वॉल है। सबसे पहले हाथ लगाएंगे तो आपको नजर आएगी वहां स्किन, तो एंटीरियर एब्डोमिन वॉल के स्किन को वॉच करें, और उसके बारे में आप अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज या ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई चीज मौजूद है उसके बारे में, जैसे हम लाइक असर, या उसके बाद स्किन के साथ जो रिलेटेड चीजें हैं, स्किन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिन वॉल के साथ कट लगाएं, खोलें उसको, सुपरफिशियल फेशिया जाएं उसके अंदर और देखें, सुपरफिशियल फेशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहाँ सुपरफिशियल फेशिया के दो लेयर्स। हम उनमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसको टेकअप करना है। दोनों सुपरफिशियल फेशिया को साफ करके फिर जब आप आएंगे अंदर, तो डी फेशिया है सच एब्डोमिन में इनकॉन्स्टेंट होती है, नहीं होती है, जो समझ लो कि इट इज एब्सेंट, और एकदम से आपको मसल्स मिलेंगे, और मसल्स को आप करें यहाँ पर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, थ्री लेयर्स में डिफरेंट डायरेक्शन यहाँ पर मसल्स मौजूद है, और सिर्फ ये मसल्स नहीं है, उनकी कुछ मॉडिफिकेशन है, कहीं कुछ मसल के अंदर कोई ओपनिंग है, कहीं कुछ है, कहीं उसके लिगामेंट बने हुए हैं कुछ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आधी से ज्यादा सर्जिकल केसेस जो होंगे वो एंटीरियर एब्डोमिन वॉल से रिलेटेड मिलेंगे, हाइड्रोसील्स, ये सारी चीजें, और इस तरीके से और ऐसे चलते चलते आप अंदर जाएंगे तो आपको फिर आखिरी लेयर वेरियस लेयर्स मिलेंगे। तो ये आप 7-8 लेयर जब आप पिन प्रिक करके यहाँ से एक नीडल पास करके केविटी तक पहुंचोगे तो यू विल हैव टू क्रॉस एटलीस्ट 9 लेयर्स है। तो दसवां जो एरिया होगा वो होगा आपका पेरिटोनियल केविटी, जिसके अंदर फिर फ्लूइड होगा। एक एक लेयर को उठाएं और करें, खासतौर पर जैसे आप पेरिटोनियम में जाओगे तो वहां पर जैसे प्रोसेस वजेनलिस और किस तरीके से फिर उसमें हाइड्रोसील हर्नियाज वगैरह ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रक्चर तो पहली चीज है, क्लिनिकल एकदम से छलांग नहीं लगाना है क्लिनिकल के अंदर, डोंट जंप इनटू द क्लिनिकल्स इमीडिएटली, क्लिनिकल्स विल बी जस्ट अ लॉलीपॉप, कुछ नहीं है। अगर आपको ग्रास एनाटॉमी और अगर आपको बेसिक एनाटॉमी आ रही है, उसकी फिजियोलॉजी आ रही है अगर, तो क्लिनिकल विल बी जस्ट अ गेम। लेकिन अगर आपको एनाटॉमी नहीं आ रही है तो फिर क्लिनिकल्स आपको किसी सूरत में उसको समझ ही नहीं सकते, आप हाइड्रोसिल को समझ ही नहीं सकते जब तक आप प्रोसेस वजेनलिस को नहीं करें। बेसिक चीज यही है, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कोर्स में, फाउंडेशन इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब यू सी दैट इफ फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग,
तो सबसे पहले वो जमीन के नीचे उसकी फाउंडेशन हम डालते हैं, वो जो फाउंडेशन बाद में नजर भी नहीं आती है, हम अपने ऑलमोस्ट 1/3 कास्ट पे उसमें खर्च कर देते हैं। कोई पागल थोड़ी हम लोग खामखा खर्च करते हैं जो चीज़ हमें नजर भी नहीं आएगी। वजह उसकी ये है कि जो बाकी बिल्डिंग नजर आएगी वो उस बुनियाद पर ही खड़ी होगी, और वो अगर फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग है, साउंड है अगर, तो फिर आप देखें कि आपकी आपकी वो बिल्डिंग जो है ना फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ उठेगी, एंड यू विल सी दैट वो आपको उसका जबरदस्त फायदा होगा। और फिर आगे से इवन मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग अगर बहुत अच्छी नहीं भी बनी है तो कोई मसला नहीं, उसको आप फिर दोबारा ठीक भी कर सकते हो, फाउंडेशन को ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो खास और फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये उनके लिए ये एक तरह से समझ लो कि ये वो खास तौर पर नोट कर लें, 3 times अंडरलाइन कर लो, फाउंडेशन और बेसिक स्टडी ये मस्ट है। सीधा जंप नहीं लगाओ एकदम से क्लिनिकल कोरिलेशंस में, क्लिनिकल कोरिलेशन से एक गेम बन जाएगी, एक बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको बेसिक्स पर अगर कंट्रोल है। तो मैंने बताया कि वो जैसे ग्रास एनाटॉमी आपने की, और ग्रास एनाटॉमी के बाद फिर बहुत सारी चीजें और आएंगी ग्रास एनाटॉमी में। ग्रास एनाटॉमी में पहले स्ट्रक्चर कर लिया करें, सब स्ट्रक्चर एक साथ कर लो, इसोफेगस कर लें, स्टमक पर सारे स्ट्रक्चर पहले कर लो, ब्लड सप्लाई वगैरह को देखो ही नहीं चला। जब ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा ये पूरी एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स की वो पूरा कर लिया अगर आपने, तो फिर लौट के आए, फिर अब सबके ब्लड वेसल्स से सबकी ब्लड सप्लाई एक साथ करें। ये नहीं करें कि स्टमक की ब्लड सप्लाई जैसे स्नेल मेमोन लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। फिर इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, अभी इस ग्रुप में स्टडी एड प्रोजेक्ट वालों को मैं कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो आपको कन्वे कर देंगे वो, या फिर ग्रुप में हम कुछ और भी चीजें भेजेंगे। मैं आपको सिंपल में एक बताऊंगा कि इसको किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल एक आर्गन है जैसे अभी इसोफेगस है, या इंटीरियर एब्डोमिनल वाल चल रहा है आपका, चलिए इसोफेगस को छोड़ें, इंटीरियर एब्डोमिनल वाल चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बेसिक क्या है, ये बेसिक्स में ये चीजें आपको करनी है, और बेसिक में ये चीजें करने के बाद इमीडिएटली वो जो चीज जो भी आप करें उसका फौरी तौर पे उसी का एग्जैक्टली उसी का क्लिनिकल उस वक्त करते हैं आप, और क्लिनिकल कोरिलेशन आपको समझ आना शुरू हो जाना चाहिए, और इमीडिएटली फिर उसका कोई सिनेरियो बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाता है तो वो उसमें फिट करें फौरन उसी सेगमेंट का, ताकि पता चले कि अभी जो आपने पढ़ा है उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन कैसे आप लिंक करते हो, और अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हो। और जब किसी क्वेश्चन का आंसर आप बताते हो तो उसका रीजन जरूर बताएं, किसी और को नहीं खुद को जरूर बताएं। हो सकता है आपने ABCD में D पर टिक कर दिया हो, वो बाय चांस वो ठीक भी हुआ हो, करेक्ट हो गया हो, लेकिन उसका रीजन आपको नहीं आता, आपको तो मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो उसका आंसर ढूंढ के उसका रीजन जरूर बताएं अपने आपको, व्हाई दिस इज एक्चुअली व्हाई, और मैंने ए किया है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, मेरी नॉलेज ने क्यों ए पे प्रॉम्प्ट किया है कि ये ए को ही टिक करें आप, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में ज़ाहिर है मेरी नॉलेज है। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग लाइक इट। तो मैं आपको इसमें ग्रास में आपको गाइड करूंगा किस तरीके से, और जैसे ही आप ग्रॉसली इस तरीके से आप करें एकदम से फिर आप फिजियोलॉजी में चले जाओ, तो देखो कि इस ऑर्गन की फिजियोलॉजी क्या है, फिर उस ऑर्गन के साथ कोई रिलेटेड जो डिजीज है उसको वॉच करें ये पैथोलॉजी के साथ। तो मैं खास तौर पे एक सैंपल बना के डे आर टू में आपको कन्वे कर दूंगा कि अगर आपने स्टमक को पिकअप किया है तो स्टमक का एक कंप्रीहेंसिव नोट कैसे बन सकता है एक मॉड्यूल के अंदर। कोई स्टमक से रिलेटेड अगर डिजीज है तो उसके बारे में पैथोलॉजी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, अगर कोई डिजीज है तो उस डिजीज से रिलेटेड अगर फार्माकोलॉजी है तो हाउ दिस फार्माकोलॉजी कैन बी एक्चुअली टेकन। तो एक पूरा कंप्रीहेंसिव नोट जो होगा वो आपके पास इस तरीके से, टीचर का समझ लो कि टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ गया है, अब काम टीचर का ज्यादा है स्टूडेंट का कम है। पहले होता था ऐसे ही कि आपको एब्डोमेन करना है, सिर्फ एनाटॉमी पढ़नी है, यहाँ पर फिजियोलॉजी में जाओगे तो GIT की फिजियोलॉजी पढ़नी, बात खत्म, पैथोलॉजी जाके 3rd ईयर में पढ़ेंगे, तब तक हमारे यहाँ से स्टूडेंट चले जाते थे। अब सेम स्टूडेंट जो है वो एनाटॉमी में चक्कर काट रहा है 4 साल तक, अब उस 4 साल के अंदर वो एनाटॉमी भी कर रहा है, अब सिर्फ एनाटॉमी तो नहीं है उसके साथ हिस्टोलॉजी भी है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी भी है। इसका मकसद है कि एम्ब्रियोलॉजी अगर आपने फाउंडेशन में या फर्स्ट ईयर के अंदर एक जनरल एम्ब्रियोलॉजी अच्छे तरीके से नहीं की है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी समझ में आ जाए। तो
यू शुड एक्चुअली डू दिस आल्सो। अगर आप जीआईटी की एम्ब्रियोलॉजी करते हो, अगर जीआईटी की एम्ब्रियोलॉजी करते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 पेजेस के अंदर एक जनरल व्यू ऑफ द जनरल एम्ब्रियोलॉजी आपको पहले पढ़ना है, तब जाके आपको सिस्टम जीआईटी का सिस्टम उसकी एम्ब्रियोलॉजी समझ में आएगी। क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो कंजेनिटल डिजीज होती हैं, उनके बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, ये रिलेटेड होती हैं फिर उसके एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा ही फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ भी। इसका एक सैंपल मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर कन्वे कर दूंगा, जहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका कंप्रिहेंसिव नोट। अब इसमें क्या होगा आप देखें, उसमें आपको एनाटॉमी भी, उसमें हिस्टोलॉजी भी, और उसके अंदर समथिंग अबाउट इम्यून फिजियोलॉजी आल्सो, एम्ब्रियोलॉजी भी, और साथ में उसको उससे रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री अगर है तो, फिर उसमें पैथोलॉजी भी और उससे रिलेटेड फार्माकोलॉजी। तो 7-8 जो सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द स्टमक एंड देयर डिजीजेस एंड देयर मेडिकेशन एंड एवरीथिंग इज बी रिलेटेड टू दैट, और एक पूरा कंपनी से नोट। इसका मकसद है कि इसमें 2-3 टीचर्स की एक एक मेहनत चाहिए इसके अंदर, और ये फिर स्टूडेंट को फायदा देगा। क्योंकि ये स्टूडेंट सिर्फ 8 वीक्स के अंदर ये फार्माकोलॉजी ये सारी चीजें ये किसी सूरत में नहीं पढ़ सकेगा, इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट। सर, अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको न्यूरोनाटमी के बारे में बता दूं तो फिर जी सर। ठीक है, फिर आप क्विकली दे दीजिएगा उसको। ऐसे ही दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं ना सारे, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आखिर में, ये एक्चुअली आखिर में सब्जेक्ट डाला है जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ज्यादती है। वजह यह है कि न्यूरोनाटॉमी को ये ऐसे समझा गया है कि जैसे कोई एक एक रीजन है, बस उसको हम ऐसे रीजन के तौर पे एक 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 मॉड्यूल के तौर पे हम ले रहे हैं न्यूरोनाटॉमी को। बेसिकली ये मॉड्यूल नहीं है, जस्ट ये सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। आपने देखी होगी इसकी किताब ही अलग है, और ये न्यूरोनाटॉमी इस तरीके से यहाँ पर। तो न्यूरोनाटॉमी जब भी आप जब हम लेंगे, अभी फिलहाल क्योंकि न्यूरोनाटॉमी का मॉड्यूल चल नहीं रहा है, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ स्टूडेंट्स इस वक्त हैं मौजूद, मैंने उनको यही कहा हुआ है कि जैसे आप सेकंड ईयर में एंटर हो जाते हो, आपका भले न्यूरोनाटॉमी आखिरी मॉड्यूल हो, लेकिन वीकली एक लेक्चर जो है वो न्यूरोनाटॉमी का होना जरूरी है। वो जीआईटी के साथ एवरी वीक 1 लेक्चर शुड बी न्यूरोनाटॉमी। फिर अगले जो मॉड्यूल्स आएंगे, मतलब कि जहां आप जाके सेप्टेम्बर में चल के न्यूरोनाटॉमी देखोगे, लेकिन इन 8 महीनों के अंदर जो 32 वीक्स होंगे उसके अंदर 32 लेक्चर्स ऑफ न्यूरोनाटॉमी शुड बी कम्प्लीटेड, ताकि जब आप रियली न्यूरोनाटॉमी के मॉड्यूल में एंटर हो तो न्यूरोनाटॉमी आपकी 3/4 से ज्यादा हो चुकी हो। और ये जब हो चुकी होगी तो ड्यूरिंग अदर मॉड्यूल्स ये जब हो चुकी होगी तो दूसरे मॉड्यूल्स को भी ये सपोर्ट करेगी, क्योंकि दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर भी नर्वस सिस्टम होगा हर जगह पर। वरना न्यूरोनाटॉमी समझते समझते आप जाके सेप्टेम्बर में समझोगे इसको, और आपका तकरीबन सारे मॉड्यूल निकल चुके होंगे और आपको नर्वस सिस्टम के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट आखिर में जाके क्वेश्चंस करते हैं, सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये प्री गैंग्लियन क्या है, पोस्ट गैंग्लियन क्या है, मुझे बताओ। 22 महीने पढ़ने के बाद आपने 23वें महीने में जाके आपको प्री और पोस्ट गैंग्लियन समझ में आना भी शुरू न हो जाए, इट इज टू लेट रादर। कहीं तो इतनी हेस्ट इतनी जल्दी जल्दी और कहीं इतना लेट, तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर। तो इस वजह से मैंने ये कहा कि भाई आउट ऑफ वे जाके एक क्लास जो है वो न्यूरोनाटॉमी की एवरी वीक जरूर करो। और मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने न्यूरोनाटॉमी यहाँ स्टार्ट भी करा दी, 2 हफ्ते उनके हो गए तो 2 लेक्चर भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो इट विल बी लाइक दिस, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से यहाँ पर करना होगा लाइक दिस आल्सो। और ये सारे टॉपिक्स हैं जो अमूमन न्यूरोनाटॉमी कवर करते हैं, और ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर होगा। यस प्लीज क्वेश्चन पुट अप करें, आप क्वेश्चन जो 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 डिफिकल्टी आपको। यस सर। सर अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि सजेस्ट द स्टडी रूटीन फॉर एनाटॉमी, और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का ही आया है कि जनरल एनाटॉमी को कहां से पढ़ें, स्नेल से पढ़ें या हमारे पास बीडी को प्रेफर करें। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप अगर जनरल एनाटॉमी में बता रहा हूं, इसमें जो सबसे बड़ा जो मसला है ना, स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस बिल्कुल वैलिड हैं, दे आर जस्टिफाइड बिल्कुल। उनमें एक तो ये जो मॉड्यूलर सिस्टम है ना, इसमें कोई होमवर्क किया ही नहीं गया है। आपको पता है कि ये लास्ट ईयर ये मॉड्यूलर सिस्टम जो स्टार्ट किया इन लोगों ने, तो मॉड्यूलर सिस्टम स्टार्ट करने के साथ जैसे मॉड्यूलर सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसके लिए बारे में कोई होमवर्क
किया ही नहीं गया। होमवर्क ये होना चाहिए था कि कम से कम दो सेमेस्टर से या दो मॉड्यूल से या कम से कम तीन या दो या तीन मॉड्यूल्स का मटेरियल पहले सिंपल के तौर पर स्टूडेंट्स को दे दिया जाना चाहिए था बिफोर दे एंटर इंटरव्यू यूनिवर्सिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स इस वक्त सिर्फ एनाटॉमी के बारे में सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि सर जनरल एनाटॉमी हम कहाँ से पढ़ें, जनरल एनाटॉमी हम बीडी 84 से पढ़ें कि हम स्नेल से पढ़ें। अब अगर किसी टीचर ने जनरल एनाटॉमी बीडी 84 स्नेल कुछ और बुक से मिला के अगर एक कंप्रिहेंसिव एक अगर बुक छोटी सी एक बुकलेट तैयार कर ली होती अगर और वो स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो आज ये सवाल स्टूडेंट मुझसे कभी ना करता। क्योंकि अगर आप स्नेल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें डेफिशिएंट है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको स्नेल पढ़ना है लेकिन उसके साथ पर लिखा हुआ है कि आपको किथलमोर भी पढ़नी है, वो केएलएम भी लिखा हुआ है, वो आपको ये भी लिखा हुआ। तो इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट अगर सिर्फ एनाटॉमी में तीन बुक्स उठा के पढ़ेगा तो वो कब फार्माकोलॉजी पढ़ेगा, कब बायोकेमिस्ट्री, कब इसमें दो महीने के अंदर तो ये किताबें जब वो टेबल पे मॉड्यूलर सिस्टम कोई कर रहा होगा तो टेबल पर उसकी कम से कम मैं लिख के देता हूं कम से कम कोई 40 किताबें उसकी टेबल पे होंगी, 40 बुक्स में से ये अपना मॉड्यूलर का पोर्शन निकाल कैसे सकेगा स्टूडेंट, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम मुझे दे देंगे, मैं बिलीव करें मेरी तकरीबन हर टॉपिक पर हर सब्जेक्ट में यानी आप जानोगे कम से कम एनाटॉमी के अंदर हर टॉपिक हर रीजन के अंदर मेरी एक बुक जरूर लिखी हुई है, तकरीबन 10 से ज्यादा बुक्स तो मेरी लिखी हुई है जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मैं मॉड्यूल पे कोई किताब नहीं लिख सका हूं अभी तक, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला है। मैंने जब मॉड्यूलर सिस्टम में जब मैंने उठाया कि ये सारा इस मॉड्यूल के अंदर मौजूद है, अब ये एक मॉड्यूल को अंदर मौजूद करके मैं एक फर्स्ट मॉड्यूल या फाउंडेशन मॉड्यूल या जीआईटी के मॉड्यूल की एक मैं किताब बना लूं जिसमें सब कुछ हो, स्टूडेंट को 40 किताबें ना उठानी पड़े, एक किताब उठा ले सिर्फ एक, उसमें उसको बेसिक सारे मिल जाएं, ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा नॉलेज मिल जाए, अगर उससे ज्यादा पढ़ना है तो फिर जो ठीक है पढ़ ले लेकिन 80% उसका कोर्स हो जाए उससे, हो सकता है इससे भी ज्यादा। बिलीव करो मुझे टाइम ही नहीं मिला, 40 बुक देख के मैं हौसला हार जाता हूँ, मैंने कहाँ ये होगा, तब तक ये मॉड्यूल ही खत्म हो जाता है, फिर नया मॉड्यूल आ जाता है, फिर उसके बाद पीछे नए के पीछे लगो तो दो महीने में पॉसिबल ही नहीं है, मुझ जैसा टीचर भी इवन वो पॉसिबल नहीं समझता उसको। तो ये तब पॉसिबल होगा जब उसका एक कंप्रिहेंसिव मॉड्यूल, अगर ये मॉड्यूलर सिस्टम देखे ना, अगर आपका ये फाउंडेशन मॉड्यूल है तो फाउंडेशन मॉड्यूल का जो एक बुक है ना ज्यादा से ज्यादा कोई 100 पेजेस में एक पूरी एक बुकलेट बन जाएगी। मेरी स्टूडेंट को ये एडवाइस है कि अगर आप जनरल एनाटॉमी पढ़ना चाहते हो तो इस वक्त जितना आपके पास लोड है ना इसमें आपके लिए स्नेल सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप चाहें कि इससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ें तो मैं आपको जनरल एनाटॉमी में जो मेरी बुक लिखी हुई है मैं उसकी PDF आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वो आप सर्कुलेट कर देना, दैट्स ऑल। उसके अंदर आपको वो पूरा मिल जाएगा, फिर आपको ना बीडी 84 उठाने की जरूरत है, ना आपको स्नेल को, ना आपको कोई ऐसी डेफिशिएंसी वहां पे मिलेगी, आपका सारा कवर हो जाएगा उसके अंदर। 30-40 पेजेस की होगी, वो आप पढ़ लेना उसके अंदर, वो आपको पूरा मिल जाएगा उसके अंदर। तो वो मैं आपको कॉपी जो है ना वो आपको ग्रुप में भेज दूंगा या आपको भेज दूंगा मैं, आप उसको सर्कुलेट कर देना, ठीक है? ओके सर, उसका मसला सर। सेकंड ईयर स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सम टाइम वी कैन इमेजिन द एनाटॉमिकल रिलेशंस and structure, हाँ, how they are arranged in our body, then what should we do for this? ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो एक जो टॉपिक एक जो सबहेडिंग है ना वो है रिलेशंस। स्टूडेंट्स को मैं अभी बता देता हूँ कि रिलेशंस याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। रिलेशंस स्टूडेंट्स रिलेशंस के बारे में बड़े परेशान होते हैं कि सर रिलेशंस कैसे हमें याद ही नहीं होते, रिलेशन कोई रिलेशन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप जब किसी आर्गन के बारे में कोई स्टडी करेंगे ना, जब सिर्फ उस आर्गन के बारे में आप पढ़ें, उसके आसपास जो आर्गन्स हैं उनकी डायग्राम देख लें आप बस, फिर जब आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर किसी आर्गन से रिलेटेड कोई चीज आएगी और उससे रिलेटेड अगर कोई और आर्गन होगा क्लिनिकली अगर वो रिलेशन इंपॉर्टेंट हुई, जैसे एक मिसाल बताता हूं, लिवर है, लिवर से बाइल डक्ट निकल रही है, बाइल डक्ट जो है वो ड्यूडिनम के बैक में से होती हुई सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम एंटर हो रही है बाय पेनिट्रेटिंग थ्रू और उसमें पियर्स करती हुई ग्रूव बनाती हुई पैंक्रियाज में। अब वो बाइल डक्ट तो आपकी हो गई, अब उसके साथ रिलेशन जब आपने उसकी रिलेशन स्टडी करने की कोशिश की
तो उसमें क्रियाज के साथ भी उसका एक रिलेशन डेवलप हुआ। ये क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। अभी क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं तो हो गया। अब आप जब दो चार क्वेश्चन उठाएंगे ना क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चन, उसमें आपको आगे चल के पता चलेगा कि हेड ऑफ द पेंक्रियाज है और हेड ऑफ द पेंक्रियाज के ट्यूमर के अंदर बाइल डक्ट ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से वो बाइल का फ्लो वहां पे इंपीड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाती है। अब ये है उसकी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। अब इस दौरान बाइल डक्ट कहां कहां से पास हुई है, दफा करो उसको। लेकिन ये पेंक्रियाज के हेड ऑफ द ट्यूमर जब पेंक्रियाज का होता है तो बाइल डक्ट का टर्मिनल पोर्शन इस जगह पर कंप्रेस होता है, और सिर्फ बाइल डक्ट ही नहीं फिर पेंक्रियाटिक डक्ट भी। ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर फोकस करो। ले आओ उसका डायग्राम, खोलो, देखो ये सारी चीजें, इस रिलेशन को क्लियर करो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। अब ये नहीं आएगा यहाँ के ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से पास हो रही है कि फलां हो रही है, इस तरीके से नहीं। उस बोले सर रोमेंटम में मौजूद है, छोड़े चले इसको भी। अगर कोई क्लिनिकल को रिलेशन, जैसे अभी आज ही स्टूडेंट एक ने मुझे सवाल भेजा कि सर हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट और पोर्टल पेडिकल इसमें क्या फर्क है। अब वो जाहिर है दीज आर डिफरेंट थिंग्स, पर यहाँ पर उमूमन देखें विपल्स प्रोसीजर वगैरह होता है, यहाँ पर हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट को कट लगा के यहाँ से बाइल डक्ट को एक्सपोज किया जाता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन पे फोकस करें, बाकी छोड़ें बाइल डक्ट को, उसके लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, फलां क्या है, नहीं आता है, छोड़ दें इसको। जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसको, अगर दो हैं तीन हैं जिस पे क्लिनिकल सिनेरियो डेवलप होते हैं, जो उमूमन सर्जरी में आपको केसेस मिलेंगे, ये रिलेशन सिर्फ फोकस करें। कोई जरूरत ही नहीं है रिलेशन को एक एक करके रटने की। आप बुक उठा के देख लेंगे, 30-30, 20-20 रिलेशन लिखे हो, सिर्फ स्टूडेंट ऐसे टिप्स पर रटते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, छोड़ दें उनको, टाइम जाया ना करें अपना। लेकिन जहां क्लिनिकली इंपॉर्टेंट केस बनता है यहां पर, वो रिलेशन जो है ना वो तो आपको हर हाल में करनी है, ताकि आपको पता चले कि सिम्टम्स क्यों होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्यों होगी भाई हेड ऑफ पेंक्रियाज के ट्यूमर में। ये रिलेशन है इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन है, यहां फोकस कर। आपको किसी भी आर्गन में 3 से 4 रिलेशन से ज्यादा नहीं मिलेंगी। आप यहां पे देखो स्टमक है, स्टमक के बैक वॉल में अगर कहीं परफोरेशन हो जाती है पेप्टिक अल्सर की, तो बिहाइंड रन कर रही है स्प्लेनिक आर्टरी, वो रप्चर हो जाती है, फेटल हेमरेज हो जाती है, यहां ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक आध रिलेशन आपको जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें, बाकी को रहने दें आप, कोई जरूरत ही नहीं है उनकी। वो डरते हैं स्टूडेंट सर फलां को तो 10 रिलेशन याद है, मुझे 2 रिलेशन याद नहीं है। भाई होती रहे, उसके किसी काम में आने वाली नहीं है, मैं आपको अभी से बता दूं, कभी जिंदगी में काम ही नहीं आएंगे। यस प्लीज सर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का की रिक्वेस्ट है कि एनाटॉमी का जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पहले ग्रुप बनाया गया था, इसी तरह आप भी बना दें ताकि उनको थोड़ा इजीनेस हो। अभी फर्स्ट ईयर का जो ग्रुप है ना, फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट ने कोई ग्रुप बनाया है, एक वो बनाया है एनाटॉमी विद वसीमुल्लाह के नाम से, उसमें अभी मुझे उसने लिंक भेजी है, तकरीबन 200 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद। तो वो ग्रुप मेरा ख्याल है 200 है, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों ही होंगी उसमें, और मैं उसको रिक्वेस्ट कर देता हूं, क्योंकि 256 से ज्यादा ग्रुप में आते नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूं गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग ग्रुप बना ले उसके अंदर। तो वो ग्रुप में जितना भी मटेरियल होगा और जो जो चीजें होगी मैं शेयर करता रहूंगा उसके अंदर, बना देंगे ग्रुप, कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना भी अगर ग्रुप में कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको इस वक्त अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देता हूँ, आप व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट कर दो तो एक ग्रुप बना लेते हैं जो जो उस ग्रुप में आना चाहे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना ईयर और अपना नाम और नंबर वगैरह आप मुझे भेज दें इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो कल तक ग्रुप बना लेते हैं इसका, कोई मसला नहीं। हम फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर दोनों का अलग अलग ग्रुप बना, सेकंड ईयर का तो इस वक्त मेरे पास है ग्रुप बॉयज और गर्ल्स दोनों का। जो फर्स्ट ईयर वाले नए स्टूडेंट्स आए हैं इस नंबर पर, आप नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर? जी सर, जी सर, ठीक है। इस नंबर पर जो है ना आप मुझे अगर अपना रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे तो हम ग्रुप बना लेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं उस ग्रुप पर या स्टडी एड प्रोजेक्ट वालों को मैं फिर कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, जनरल एनाटॉमी का मटेरियल मैं प्रोवाइड कर देता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम और ना सही तो फाउंडेशन मॉड्यूल का वॉल्यूम 1 जो है कम से कम 50-60 पेजेस पर या 100 पेजेस पर कोशिश मैं कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक जो है ना इसका एक मॉड्यूल जो है फाउंडेशन मॉड्यूल और जीआईटी का मॉड्यूल, जो फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर वालों को उनको भी पीछे नहीं रखेंगे, ज़ाहिर साथ में ला के चलाना है, तो इन दोनों का एक एक वॉल्यूम, अगर 3 वॉल्यूम होते हैं तो उनका एक एक वॉल्यूम 1/3 ईच जो है ना, कम से कम सैंपल मिल जाए चलो उनको, बाकी तो ये कंप्लीट अगले साल ही हो सकेगा, लेकिन यह है कि
उनको एटलीस्ट फाउंडेशन वालों को और जीआईटी वालों को उनको 1/3 वॉल्यूम जो है कम से कम 50 पेजेस की एक छोटी सी बुकलेट जो है ना उनके लिए कोशिश करते हैं कि पब्लिश करा देते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए। तो एक ही बुक के अंदर मैं कहता हूँ स्टूडेंट के पास एक बुक हो ये टीचर का काम है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं ना फॉरेन कंट्रीज के अंदर, बहुत सारे वो कहते हैं कि सर वहाँ पे टीचर आके कहता है कि बुक्स आर फॉर द स्टूडेंट्स, बुक्स आर फॉर द टीचर्स नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। वो कहते हैं बुक्स को हाथ न लगाओ, क्योंकि तुम बुक्स को हाथ लगाओगे तो फिर हम यहाँ क्यों हैं। फिर अगर स्टूडेंट घर जाए और 40 किताबें उसकी टेबल पे पड़ी हुई हों तो फिर ये यूनिवर्सिटी क्यों है। फिर उसको तो इतने सब्जेक्ट पढ़ने, और जहाँ जिस सब्जेक्ट के लिए आप जिस डिपार्टमेंट में एंटर हो जाओ और वहां का टीचर उसको इतना कंटेंट दे देता है जो उसको जरूरत ही नहीं होती। वो टीचर ये समझता है कि उसको अब फार्माकोलॉजी में, अब जहाँ अब फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री में चले जाएं, वो इतना कंटेंट दे देता है जो उसको जरूरत ही नहीं। वो ये समझता है कि इसको सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। भाई उसको बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बायोकेमिस्ट्री तो उस टीचर को पढ़नी है सिर्फ। इसको आगे से 10 सब्जेक्ट और पढ़ने वाले हैं ये उसके 2 महीनों के अंदर। उसको 30-40 किताबें उसके घर पे पड़ी हुई हैं, उसके अंदर जाना है इसको। तो मेहरबानी करके उसको सिलेक्ट करके छोटा सा कंटेंट दे दो और उसके लिए सफिशेंट है, इससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं है। 2 महीने के अंदर खत्म करना है जीआईटी। मैं तो खुद हैरान हूँ, मैं आपको अभी वादा तो कर रहा हूँ आपको, मैं वादा मुझे ये होना चाहिए था कि मैं जीआईटी का पूरा मॉड्यूल आपको लिख के देता हूँ। अगर आप मुझे एनाटॉमी कहेंगे ना तो मैं आपको कल ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे अब उसको कंसाइज करना होगा कि आपको इस 2 महीनों में जीआईटी में मैं कितना पोर्शन दूं, और इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये नंबर मैंने भेज दिया है, आप नंबर पर मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आई विल डू एंड मेक अ ग्रुप फॉर दिस। तो ग्रुप बना लेंगे, कोई मसला नहीं, वो इसमें आपको काफ़ी गाइडेंस मिलती रहेगी, और जो जो मेरे लेक्चर्स इवन रिकॉर्डेड होते हैं तो उनकी लिंक्स देंगी, वो आप इवन यूट्यूब पर उसकी लिंक से इवन वीडियो देख भी सकते हो डायरेक्टली। ओके सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है वो ये है कि हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी को ग्रॉस एनाटॉमी के साथ कैसे मैनेज करें। हमने देखा है कि एग्जाम्स में इन चीज़ों का रेशियो क्या होता है, मतलब ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करें। अगर एनाटॉमी पर ज़्यादा करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी उनकी भी बुक ज़्यादा है और उनका भी ज़्यादा होता है, तो वो मैनेज करें। मसला इस वक्त पहला हो, क्वेश्चन हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, मसला आपका एक ही है कि हम जाहिर हर किताब के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है इतना। अब हम मॉड्यूल में अगर यहाँ जाते हैं तो जीआईटी के अंदर फिर हमें फिर जीआईटी के एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, फिर हमें फिर क्या पूरी पढ़ें कि पूरी। अब देखिए पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है, या तो पूरा पढ़ो या पूरा छोड़ दो, अब पार्शली नहीं पढ़ सकते उसको। अब मसला यह है कि मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि बाबा पहले तो ग्रास एनाटॉमी पढ़ो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ग्रास एनाटॉमी तुम्हें समझ में तब आएगी जब तुम हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी करोगे। जड़ वो है, एक्चुअली रूट वो है, रूट। मैं आपको बता दूं कि मुझे एनाटॉमी समझ में आई है ग्रास पढ़ के नहीं, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी पढ़ के। मुझे एनाटॉमी समझ में आई है एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी पढ़ के, और इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि उसको उसके बेस को आप बुनियाद को समझना शुरू कर देंगे। वैसे पढ़ना एक अलग चीज है, समझना अलग चीज है। आप समझना शुरू करेंगे एनाटॉमी को जब आपकी एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी अच्छी है। मैं कोशिश करूंगा इन तीनों सब्जेक्ट्स को, यानी समझ लो कि अगर मैं किसी को सैंपल बना के, जैसे स्टमक है, स्टमक की अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्रॉस एनाटॉमी कराता हूं, तो मैं कोशिश करके एक कंसोलिडेटेड लेक्चर, मॉड्यूलर टाइप ऑफ लेक्चर, जिसके अंदर एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्टमक टुगेदर एक क्लास के अंदर, क्योंकि अब तो ये क्लास हो गई है ना, अब ये सिर्फ एक नहीं, अब मॉड्यूल हो गया ना, तो स्टमक के अंदर फिर आप 2 घंटे बाद आप किसी और क्लास में जाएंगे तो उधर वो पेप्टिक अल्सर लेके बैठा होगा, फिर नीचे आएंगे तो फिर सर मुनावर जो है वो पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट लेके बैठे हुए हैं वहां। कहने का मकसद ये है, वो चीजें अलग अलग नहीं है यहाँ पर। अब या आप कर नहीं सकते कि मैं एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी कर लूं, या एम्ब्रियोलॉजी भी, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी उसका कंटेंट जो है, उसका जो रेशो है वो ग्रॉस एनाटॉमी के बराबर है। इसका मकसद ये है कि 1/4 एम्ब्रियोलॉजी, 1/4 हिस्टोलॉजी, एंड 2/4 विल बी द ग्रॉस एनाटॉमी। तो ये आप कह ही नहीं सकते कि उसको किस तरीके से करें। अब ये है कि वंस अगेन यही प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का हल ही एक है, या तो मैं स्टूडेंट्स के साथ मिल बैठ के एक कंसोलिडेटेड किताब बना लें जो पूरे मॉड्यूल को कवर करें, और मॉड्यूल का मकसद है कि पूरे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें कवर करें। इसके मैं डिजाइन बना रहा हूं, क्योंकि जाहिर है ये अचानक हुआ है,
तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसका एक एक पोर्शन जो है ना कम से कम स्टूडेंट्स को एक वे मिल जाए, बाकी थोड़ा सा खुद ही कर लें चलें, तो इसका मैं थोड़ा सा उसको आइडिया दे दूंगा स्टूडेंट को इंशाल्लाह। तो ये विद इन अ वीक आर टू कम से कम, और नहीं सही तो वन क्वार्टर ऑफ ईच मॉड्यूल जो है फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन मॉड्यूल का वन क्वार्टर और एसआई वन क्वार्टर ऑफ द जीआईटी, जितना हो सकता है मुझसे मैं कोशिश करके इसकी बुकलेट जो है ना स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा देंगे इंशाल्लाह। तो आप पढ़ना बहरहाल एम्ब्रियोलॉजी है, क्योंकि अब एम्ब्रियोलॉजी अगर आप नहीं पढ़ेंगे या हिस्टोलॉजी को कम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर ये रटी हुई होंगी आपकी एनाटॉमी, फिर ये मैं बता दूँ समझ में नहीं आएगी, पढ़ी हुई होगी समझ में नहीं आएगी, पढ़ना बड़ा जरूरी है उसको। और बहुत सारी डिजीजेज हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू समझ में आती है, तो ये बहुत जरूरी है, इसको छोड़ना नहीं है कभी। यस प्लीज सर, क्वेश्चन आया है कि एग्जाम रिलेटेड हम स्टडी कैसे करें एनाटॉमी को स्पेशली। एग्जाम रिलेटेड ये है कि जाहिर है जो टॉपिक्स हैं ये तो आपको टीचर ही बता सकता है, अब आपको ऐसे ये जैसे अब क्लास वाइज जैसे आप चलते रहते हैं ना, तो जो टीचर अब जाहिर है अब क्लास वाइज जो टीचर जिस टॉपिक पर ज्यादा जोर देगा, और क्लिनिकली आप यहाँ पे अब फिर एक यंग स्टूडेंट को नहीं पता होता कि कौन सी डिजीज जो है वो ज्यादा कॉमन है हमारे ज्योग्राफिकल सिचुएशन में। अब स्टमक अगर अगर फॉर एग्जाम्पल हर्निया है बहुत कॉमन है, तो जाहिर है वो हर्निया को छोड़ेगा नहीं, वो कभी हमेशा पड़ेगा, अगर हर्निया को पड़ेगा वो इंटेस्टिन को पड़ेगा, कैविटी को पड़ेगा, तो वो रिलेटेड जो होगी इस तरीके से, ये तो एकदम फोकस पॉइंट होगी ना यहाँ, तो ये फिर टीचर उसको बता सकता है। और खुद वो जब मॉड्यूल के साथ आगे चलेगा तो वो अपने टॉपिक्स जो है खास तौर पर देखे किस चीज पे फोकस ज्यादा है, वो जाहिर है कुछ नॉलेज हो भी जाती है कि भाई कौन कौन सी डिजीजेज सोसाइटी में ज्यादा है, तो जाहिर है वो टीचर जो है ना एग्जाम के दिनों में वो चीजें ज्यादा देगा, तो अगर ज्यादा देगा तो उनकी लिस्ट ड्यूरिंग लेक्चर्स बनाता जाए, वो जब बनाता जाएगा तो एक लिस्ट उसकी बन जाएगी, और लिस्ट जब बन जाएगी तो टीचर के साथ एक सिटिंग करके ग्रुप चला जाए, टीचर के साथ सिटिंग करके उसको बता दे कि सर ये 60-70 टॉपिक कुछ ज्यादा हैं, आप इनमें से कौन सी टॉपिक ऐसी हैं जिनको हम ज्यादा फोकस करें, टीचर्स बता देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, मेरे पास आ जाएंगे मैं बता दूंगा उनको कि क्वेश्चन किस जगह से ज्यादा फोकस्ड किए जाएंगे, भाई एग्जाम के दिन है, चलो इन दिनों के अंदर अभी जो पढ़ चुके आप, अब एग्जाम है मसला है, अब एग्जाम है तो एग्जाम के लिए उनको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करना टॉपिक्स में, स्टूडेंट का हक भी है, तो कोई मसला नहीं है, वो हम आपको बता देंगे, एक लिस्ट हम आपको कर देंगे कि बाबा ये एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ज्यादा फोकस करें आप, उसमें आपको टीचर जो है ना वो आपकी हेल्प कर सकता है, स्टूडेंट जो है ना वो डिसाइड नहीं कर सकता, स्टूडेंट को हर चीज लगेगी कि ये ना आ जाए, तो वो चीज़ों को ओमिट नहीं कर पाएगा, इसमें आपका टीचर जो है ना वो आपकी हेल्प कर सकता है, तो वो आप ग्रुप बन जाएगा, तो मैं जैसे मॉड्यूल करीब आ जाएगा तो मैं एक लिस्ट आपको बना के भेज दूंगा कि बाबा इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, फिलहाल दूसरी चीज़ों को, अब टाइम गुजर गया 2 महीने हो गए आप उसमें उस टाइम पर आपने ध्यान नहीं दिया, अब ठीक है एग्जाम के दिन है आप इन पर ज़्यादा ध्यान दो, और बाद में जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं बाद में देख लेंगे, तो फिलहाल एग्जाम के लिए पर आपको हेल्प कर लेंगे इसमें हम लोग, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। यस प्लीज सर, एक क्वेश्चन ये है कि यूनिट टेस्ट और मॉड्यूल में इसमें मॉड्यूल टेस्ट में स्टडी कैसे करें, मतलब नहीं मतलब अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ, किसी जमाने में यूनिट टेस्ट भी होते थे, आपको पता है जो सब थर्ड ईयर में हैं उनको पता है यूनिट टेस्ट होते थे, जिसके अंदर आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के एक साथ क्वेश्चन आते थे एक ही पेपर के अंदर या पेपर में, इस तरीके से एट अ टाइम होते थे, ये एक्चुअली यूनिट टेस्ट इज एक्चुअली द मॉड्यूलर टाइप ऑफ एग्जाम, पर सिर्फ फर्क उसमें ये है कि इसके अंदर यूनिट टेस्ट वाज विद इन द सेकेंड ईयर डोमेन, मॉड्यूलर में जो है वो थर्ड और फोर्थ ईयर का डोमेन भी अंदर आ गया, तो उसके अंदर जो है ना इस तरीके से आपको यूनिट टेस्ट में ऐसा ही मैंने बताया ना कि इसमें आपको एक सैंपल के तौर पे जैसे जीआईटी वालों का है सैंपल या जैसे फाउंडेशन वालों का है, इनको एक सैंपल बना के अगर हम देंगे ना तो उस पैटर्न पर वो आगे चल के उसको फॉलो करते हैं, इनको एक एक सैंपल जो है ना वो बड़ा जरूरी है इनके लिए, टीचर जो ना एक टीचर के पास जाते हैं वो सिर्फ एनाटॉमी पढ़ाता है, दूसरे के पास जाते हैं तो वो सिर्फ फिजियोलॉजी, तो ये मकसद है कि इनका एक सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए, सेंट्रल कंट्रोल में ये हो कि ये सारे मिलके कंसोलिडेटेड एक नोट बना के इनको एक छोटी सी बुकलेट दे दें कि बाबा ये है तुम्हारी बुकलेट जो दरअसल इन सारी चीजों से मिलके बनी है, तुम्हें अब 30 किताबें टेबल पे रख के, अब उसमें से जाहिर है बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो सब लोग अपना फीडबैक उसमें दें, सब लोग उसमें अपना इनपुट दें कि 2-4 उसमें 5-6 उससे रिलेटेड कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी मौजूद हों उसके अंदर, वरना तुम्हें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए अलग से किताबें पढ़नी पड़ेगी, तो 3-4 किताबें और ले आओगे फिर टेबल और भर जाएगा आपका,
स्टूडेंट्स का सारी परेशानी स्टूडेंट की यहाँ पर है कि इतनी किताबें, इतने सब्जेक्ट एट अ टाइम हम कैसे पढ़ें, क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी से जब वापस आते हैं तो वहां पर तो हमने 5 सब्जेक्ट पढ़े आज, और 5 सब्जेक्ट के लिए तो एक एक की 3-3 किताबें, तो 15-16 किताबें उस दिन, हम कौन सी चीज ढूंढे, कहाँ से ढूंढे। और ये सारी की सारी किताबें जितनी भी हैं ये फॉरेन ऑथर्स की लिखी हुई है, कोई भी किताब हमारे लिए नहीं लिखी गई है। मैं आपको बता दूंगा, स्नेल को तो पता भी नहीं होगा पाकिस्तान में कोई स्टूडेंट मेरी किताबें पढ़ रहा है, उसने हमारे लिए तो लिखी ही नहीं है किताबें। आप जब न्यूरोनेट भी उठा के देखेंगे तो उसकी तो किताब ही अलग है, और किताब अलग है वो पहले पेजेस के ऊपर ही उसने स्पाइनल कार्ड के साथ ट्रैक्स लिखे हुए हैं, वहां पर सेरिब्रम में भी पहुंच गया है 6 पेजेस के अंदर अंदर। तो स्टूडेंट्स तो हमारा न्यूरोन का स्ट्रक्चर बड़ी मुश्किल से समझता है, वो कहां सेरिब्रम के बारे में उसको पता, वो कहां इसने ट्रैक को ट्रेस कर जाएगा, ट्रेस तो दूर की बात है, वो कहां उसकी डिजीज समझ पाएगा। ये किताबें उन लोगों ने लिखी हुई हैं जो एक्चुअली अपने 2 साल मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले ही पढ़ के आते हैं। हमारे बच्चों ने तो सिर्फ इंटर पढ़ी हुई है, और इंटर की भी आपने हालत देखी कैसी रटा हुआ होता है बेचारों का, वो सिर्फ नंबर के चक्करों में कि बस नंबर हो जाए, हमारे एडमिशन हो जाए किसी तरीके से। और यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं बिलीव करो, मैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर मैंने पूछे वही नहीं बता पाते हैं, ये पोजिशन होल्डर का ये हाल होता है, उनका कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ रटा हुआ होता है बस, और हमारा एग्जाम जो है वो रटे को टेस्ट करता है। तो कहने का मकसद यह है कि ये जो है ना, ये इनको बच्चों को एक सैंपल बुकलेट की बहुत शदीद जरूरत है। फिर वो सारे तो नहीं हम बना सकते, कम से कम सैंपल, कम से कम 1/4 मॉड्यूल का, उसका एक मॉड्यूलर एक फॉर्मेट बनना बड़ा जरूरी है। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ जितना भी हो सकता है मुझसे, मैं कोशिश करके कम से कम और सिविल GRT वालों के लिए या फाउंडेशन वालों के लिए कम से कम बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीक आप देखते हैं इसका क्या करते हैं। यस प्लीज सर, क्वेश्चन आया है कि माइनर सब्जेक्ट की स्टडी कैसे करें। माइनर सब्जेक्ट्स में ऐसा है ना कि टीचर से आप नोट्स ले लें उनके, जो भी टेक सब्जेक्ट्स हैं ना, माइनर से मतलब ये होगा कि जैसे IT है, या जैसे इनके साथ जो टेक सब्जेक्ट्स होते हैं, या माइनर में जैसे आप समझ लें कि जैसे अब एनाटॉमी इस वक्त आप GIT कर रहे हो तो उसके अंदर जैसे कम्युनिटी मेडिसिन वो इसमें माइनर है, या फॉरेंसिक मेडिसिन इसके अंदर माइनर है। अब इसके अंदर माइनर है तो इसमें टीचर से आप हेल्प ले लें, टीचर्स को कहें वो नोट्स, या आजकल तो PDF भी शेयर कर लेते हैं, PDF शेयर करें, आप उनसे PDF पढ़ें उनकी, सिर्फ जो PDF वो PDF में टीचर काफ़ी काफ़ी कंटेंट डाल देते हैं, लेकिन वो PDF पढ़ने के साथ खास तौर पे जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं ना, उनसे आप एक पूरा एक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट और जितने भी मटीरियल आपको अवेलेबल होता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसके अंदर डाल दें। कंटेंट कम हो, क्वेश्चन ज़्यादा हो, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। हमारे पास पेपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लम्स वाले पास पेपर्स उन्हें लीक नहीं करते अपने, लेकिन DMC के और इनके आपको पास पेपर्स आसानी से मिल जाएंगे मार्केट से। तो जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनकी PDF अपने टीचर से ले लें, वो आपको टीचर्स आजकल शेयर कर देते हैं, और उसके साथ जो है फिर खासतौर पर आप PDF जो है वो मैडम समरीन जो है ना वो काफ़ी PDF शेयर करवाती हैं। अगर वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैडम से अगर आप कहेंगे ना तो मैडम अपने टीचर्स को कह देगी, वो आपको PDF शेयर कर लेंगे, वो शेयर कर लेंगे, वो आप PDF पढ़ें माइनर सब्जेक्ट का, लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो दूसरी यूनिवर्सिटीज से पास्ट पेपर्स हैं उनके खास टॉपिक्स के एग्जैक्टली उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस निकाल के एक कॉम्प्रिहेंसिव एक आप एक पैकेज बनाएं, वो साथ साथ वो करते जाएं, साथ साथ करते जाएंगे उस टॉपिक के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। माइनर सब्जेक्ट में इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। यस प्लीज सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट वीडियो सोर्स फॉर न्यूरोनेटमी। न्यूरोनेटमी के लिए बेस्ट वीडियो सोर्स, एक्चुअली सोर्सेज तो बहुत हैं, वीडियो सोर्स जो है ना ये मैं एक्चुअली अपने आप को नहीं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तकरीबन इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसकी एडिटिंग में कर रहा हूँ, वैसे मेरे पास फुटेजेस हैं सारी तकरीबन, मैंने लास्ट ईयर कोई 75 लेक्चर्स दिए हैं न्यूरोनाटमी पर, 75 लेक्चर्स इन ईच ऑफ 1.5 1 आवर को तकरीबन, ये समझ लो कि 80 आवर्स के लेक्चर्स हैं वहाँ पर। मैंने ऐसा जो देखा है कि जो सोर्सेज हैं उमूमन वो कंटेंट वाइज काफ़ी हैं, वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा बोर भी करते हैं और कहीं कहीं उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही नहीं होती है। तो जैसे न्यूरोनाटमी स्टार्ट होगी, अब जो स्टार्ट मैंने तो कर दी है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो न्यूरोनाटमी के जो 2 लेक्चर्स अभी तक हुए हैं इसकी वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ आज ही, ये आप देखें उसको, अगर आपको वो समझ में आती है तो मुझे आप बताइएगा कि फिर फर्दर जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे मैं आपको वो शेयर करता जाऊंगा।
और वहां पर अगर आपको वो समझ में आ जाता है सही तरीके से, आप उसको अगर हमारे साथ चलते हो उसके साथ, तो ये पूरा साल चलता रहेगा ये, अगर उसमें आपको फायदा होता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं उसमें शेयर कर दूंगा। अभी जो हमारे दो लेक्चर्स हुए हैं यहाँ पर न्यूरोनाटमी के, वो मैं आपको आज ही शेयर कर दूंगा यहाँ पर, आप अपने ग्रुप में उसको सर्कुलेट कर देना, वो जो ग्रुप हम बनाएंगे उसमें भी भेज देंगे उनको, तो देख लें। अगर वो वीडियो सोर्स आपको एक तरह से ही समझ ले कि वो समझ में आती है, और मैंने कोशिश करके उसको नेटिव लैंग्वेज में जितना भी इजी हो सका है मैंने उसको समझाने की कोशिश की, तो आपको आसानी से हो जाएगी। वो तकरीबन सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं थाउजेंड्स में 10-12 साल से, वो तकरीबन उसी से फ़ायदा लेते रहे हैं, और उनमें से तो बहुत सारे अभी न्यूरोसर्जन भी बन गए। असल चीज़ ये है कि वो उसको फॉलो करते रहें अच्छे तरीके से, वो मैं बताऊंगा कि हाउ टू फॉलो दैट आल्सो। लेक्चर को सिर्फ सुनना नहीं होता, उस लेक्चर को किस तरीके से हैंडल करना है, वो जो वीडियो है आपका, जो आप आगे चल के फिर वीडियो न देखें, आप सिर्फ जो है ना दो पेजेस के अंदर आप सिर्फ पढ़ भी लें तो वो रिकॉल हो जाए आपका, तो वो उसको हैंडल करना भी बड़ा जरूरी है वहाँ पे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये शेयर कर दूंगा मैं दो वीडियोस आज इंशाल्लाह। यस प्लीज सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है एज अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट, एंड ये दूसरों से भी क्वेश्चन आया है कि यूएस असेंबली की कैसे की जाए। यूएस असेंबली सिर्फ एनाटॉमी के लिए नहीं होती है, आप इसमें देखें कि मॉड्यूलर सिस्टम जो है ना, जहाँ बहुत सारा स्ट्रेस है उसके अंदर, वहाँ एक बड़ा जबरदस्त फायदा भी है। जो मॉड्यूलर सिस्टम को सही तरीके से ना फॉलो करेगा, उसको यूएसएमएलई की सेपरेटली प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यूएसएमएलई की जो पास्ट पेपर्स की जो बुक्स आती हैं, जहां पर उनके क्वेश्चन हैं, वहां पर सिर्फ आप उसको रिवाइज करते रहें, बाकी सारा मॉड्यूलर सिस्टम आप अपना फॉलो करें। फोर्थ ईयर तक अपना मॉड्यूलर सिस्टम फॉलो करेंगे, स्टेप वन के लिए आप तैयार हो जाओगे, फोर्थ ईयर में आप स्टेप वन दे सकते, कोई जरूरत ही नहीं है एनाटॉमी में सेपरेट तैयारी क्या करनी है। आप जब जीआईटी करोगे तो उसमें जो एनाटॉमी आप पढ़ेंगे दैट इज इनफ, तो आप पढ़ेंगे यूएसएमएलई के जाके फिर क्वेश्चन सॉल्व करें आप, क्योंकि उनकी फिर सिनेरियो होती है, अब सिनेरियो जब होता है तो उनके सिनेरियो लेंदी होते हैं थोड़े, लेकिन वहां आप करें, लेकिन उनमें कुछ ग्राफ्स भी होते हैं, कुछ ये भी सारी चीजें कुछ इस तरीके से होता है, फिर वो फिजियोलॉजी में, तो एनाटॉमी में तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है उसके लिए सेपरेट प्रिपेयर होने की, अगर आप मॉड्यूलर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो इट इज इनफ। सिर्फ आपको एग्जाम देने का वो तरीका देखना चाहिए, वो देखना चाहिए कि उनके सिनेरियो किस तरीके से होते हैं, सिर्फ वो प्रैक्टिस आपको जरूरत है, वरना कंटेंट वाइज आपको कोई सेपरेट चीज देखने की जरूरत नहीं। उसके लिए बुक्स जो मिलती हैं वो पहले ऐसे था कि आप सिर्फ एनाटॉमी पढ़ते थे, फिर फिजियोलॉजी, फिर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं था कोर्स, इंटीग्रेटेड नहीं था, इसलिए फिर आपको फिर यूएसएमएलई की अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती। अब वो यूएसएमएलई के पैटर्न पे मॉड्यूलर सिस्टम ऐसा ही है जैसे आगाखान में चल रहा है, जैसे ये पर है अभी शुरू हुआ है, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी तकरीबन एक डिकेड से ऐसे ही पढ़ाती थी, और आपने देखा होगा यूएसएमएलई आगाखान वाले डॉ वाले या यूएसएमएलई बहुत आसानी से कर लेते, हमारे बच्चे भी करते हैं, ऐसा नहीं क्या नहीं करते, हमारे बच्चे भी करते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी कर जाता है। असल चीज ये है कि आप मॉड्यूल को सही तरीके से फॉलो करें, अच्छे तरीके से वो फॉलो करेंगे, आपको सेपरेट प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको एग्जाम पैटर्न के वो क्वेश्चंस करने होंगे जो जो यूएसएमएलई की आपकी बुक्स मिलती हैं यहाँ पर, खासतौर पर उनकी क्वेश्चन बैंक जो क्यू बैंक्स वगैरह होती है ना, यहाँ पर वो आप सिर्फ आप देख लें। कंटेंट वाइज मॉड्यूलर सिस्टम हमारा सफिशियंट है, इनफ, मोर देन। जी भाई सर, एक और क्वेश्चन है कि प्लेब के हवाले से आप थोड़ा गाइड करते हैं, अगर प्लेब भी ऐसे ही है। प्लेब और यूएसएमएलई में ऐसा इतना फर्क नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि वो प्लेब और यू प्लेब देखें ना, प्लेब एक लाइसेंस श्योर एग्जाम है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए वहां पर इवन एलिजिबल करता है, लेकिन वहां पर जो आपका डिग्री एग्जाम है फाइनल, जो आपका एंड डिग्री एग्जाम है वो अलग है, वहां पर आपको एमआरसीपी और ये करने पड़ते हैं। लेकिन प्लेब में भी जो यहाँ पर क्लिनिकली आप देखें, आप पैथोलॉजी और ये सारी जब आप चीजें करेंगे ना, तो जब आप पैथोलॉजी लेवल तक आप अपना मॉड्यूल खत्म करते हो, तो उसमें फिर अब सिर्फ आपको मेडिसिन ऐड करनी होती है, और मेडिसिन जब आपको ऐड करनी होगी तो प्लेब तो जाहिर है आप फाइनल के बाद ही देते हैं, तो वो फिर मेडिसिन सिर्फ उसमें आपको ऐड करनी होगी, माना मेडिसिन एंड सर्जरी एंड गायनी डॉक्स, वो फाइनल में, वो जब उसमें ऐड हो जाएगा तो यू बी फिट इनफ फॉर द प्लेब। सिर्फ आपको फिर आपको प्लेब के लिए फिर बुक्स लेनी होगी कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कंटेंट आपका यही होगा, क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग है, स्टमक में पेप्टिकल सर ये वो फलां ये तो हर जगह सेम होगी, उनके एग्जाम के पैटर्न थोड़े डिफरेंट हैं, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट यही होगा, कंटेंट का बेस यही है, इसी को आप जैसे घर बनाया ना आपने, आपकी मर्जी है उस घर के अंदर स्कूल खोलें, उस घर के अंदर खुद रहें, वो उसमें गेस्ट हाउस खोल लें, जो भी कर लें आप,
घर यही होगा, कंटेंट यही होगा, तरीके कार मुख्तलिफ है जाहिर है। यूएसएमएलई में आपको ज्यादातर बेसिक्स होते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सेकेटरी आल्सो, वो बिहेवियर साइंस तो वैसे भी आप मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ आगे चल के जब आप देखेंगे तो प्लेब के अंदर फिर मेडिसिन सर्जरी और गायनेकोलॉजी भी एड हो जाएगी उसके अंदर, तो ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा फिर। इसलिए यूएसएमएलई स्टेप वन वो तो आप फोर्थ ईयर में भी दे सकते हो, लेकिन फिर प्लेब आपको फाइनल के बाद, तो प्लेब में भी कोई एज सच आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं होगा, कंटेंट यही होगा। तो उसके अंदर आप मॉड्यूलर सिस्टम में आखिर में फाइनल ईयर में फिर उसमें आप ईएनटी आई, और क्योंकि ईएनटी और आई उसके क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल किया जाता है थ्रू द प्लेब, तो फिर आपको आई भी ईएनटी के भी टॉपिक्स भी और साथ में गायनी के भी, सर्जरी के भी और मेडिसिन के भी, ये टॉपिक्स भी उसके अंदर एड होते हैं, लेकिन बेसिकली सेम होगा, उसमें सिर्फ वो एड हो जाएंगे। यस प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, अभी जो मैंने जो जो अभी मैंने आपको प्रॉमिसेस किए हैं, इंशाल्लाह ताला वीडियो की लिंक्स तो मैं आपको अभी भेज देता हूं आपके स्टडी एड प्रोजेक्ट पे, और ये जो स्टूडेंट्स ने काफी रिक्वेस्ट भी भेजे हैं तो इनके ग्रुप भी हम बना लेते हैं, और इन अ डे आर टू इंशाल्लाह ताला जो भी मैंने प्रॉमिसेस किए हैं वो मटेरियलाइज हो जाएंगे। बाकी जो ये मैंने बताया कि सैंपल वाइज एक कोई चीज़ पब्लिश करते हैं हम लोग, कोशिश में करता हूँ इस वीक में दोनों मॉड्यूल सही एक मॉड्यूल की कम अज़ कम एक सैंपल वाइज कोई वन क्वार्टर जैसी कोई पब्लिश करके एक बुकलेट जो है ना वो हम स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील करें यहाँ पर। ठीक है बेटा। ओके सर, ऐप के थ्रू ये सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाएंगे, आप मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस यही है, बस जो भी मैंने आपको बताया स्टडी आर्ट में, मैंने आके एक चीज आप एक चीज आप समझ लें, चीज कोई भी आसान नहीं है। आप जो है किसी भी चीज में कुछ भी करेंगे ना, आप एक चीज लाजमी आपको करनी पड़ेगी, वो होगी हार्ड वर्क। क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे आते हैं वो कहते हैं सर चीज को आसान बना के थोड़ा सा, मकसद है कि वो पहले से ही मेहनत से भागना चाहते हैं। आसान चीज कोई भी नहीं है, चीज ये है कि बस समझ में आ जाए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी ये हर हाल में, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी करें, उल्टा लटक जाएं, कुछ भी कर दें, आप कितने भी जीनियस क्यों ना हो, आप ये जो पोजीशन होल्डर होते हैं इससे नहीं समझना, ये तो नींद ही कुछ चार घंटे मुश्किल से करते हैं, ये मेहनत करते हैं ज्यादा, ये ऐसे नहीं है कि बहुत कोई जहीन है इतने कुछ, कोई कितना जहीन हो ना यहाँ का बंदा, कोई मेडिकल में आए कोई कितना भी जहीन हो, अगर उसके स्ट्रगल में तुम हार्ड वर्क को माइनस कर दो ना, मैं बताऊंगा कि वो कैसे धड़ाम से नीचे आके गिरता है, भले वो इंटर में पोजीशन ही क्यों ना लेके आया हो। यहाँ पर यहाँ उसको हर हाल में हार्ड वर्क करना है, बस सिर्फ ये है कि जहाँ आपको हार्ड वर्क करने के बगैर वहाँ जाते हुए भी इवन समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर फिर आप डेफिनेटली अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो, और मुझसे जो हो सकता है वो मैं तो इंशाल्लाह ताला करूँगा। ओके सर, सैप की और रिसोर्स सेंटर के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे पास? मैंने आते ही एक्चुअली मैं भूल गया पहले से, तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ खासतौर पर, वेरी नाइस एफर्ट अपने कोलीग्स को और अपने जूनियर्स को इस तरीके से गाइड करना, इट्स रियली अप्रिशिएबल और हैट्स ऑफ टू यू। मुझे बहुत इवन प्राइड फील होता है इस बारे में भी, स्टूडेंट्स को इतना एंड्योर करते हुए देखते हुए, and they have done a remarkable job. inshallah taala aap se bahut aage jayenge aur iska zarur ajr milega aapko inshallah taala. it's a very nice effort, very very nice effort. thank you so much sir. sir hamare paas sir munawar alam bhi hamare sath maujood hai, hum sir ko bhi dekhenge aur puchhenge ki aaj ka kaisa laga webinar. please sir, sir munawar aapko unmute kar diya gaya hai. Assalamualaikum, मेरी आवाज आ रही है सर? वालेकुम सलाम सर। यस सर, वेलकम यस सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत नाइस टू हियर यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू थैंक यू, बहुत टाइम से मैं आपको सुन रहा हूं, और यकीन करें कि मुझे बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड इट एंड वेरी वैल्यूएबल सेशन, और मुझे अपनी एनाटॉमी के दिन याद आ गए जब हमें कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं होता था, एंड मैं सिर्फ दो लफ्ज ये कहूंगा कि आवर स्टूडेंट्स आर लकी इनफ टू हैव अ टीचर्स लाइक यू, यू आर रियली अ वेरी गुड एनाटॉमिस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, रियली ओब्लाइज, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा, ऑल द बेस्ट,
थैंक यू सो मच सर वसीम और सर मुनव्वर ओके मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला और वी विल एक्चुअली बी ब्रिंगिंग सम मोर थिंग्स आल्सो एंड व्हाटएवर वी हैव एक्चुअली प्रॉमिस्ड इन दैट फोरम इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे सर ओके मैं सर और पार्टिसिपेंट को ये कहना चाहूंगी कि मजीद हमारे और भी वेबिनार्स होंगे जो वीकेंड पर नेक्स्ट वीकेंड पर इंशाल्लाह और सब्जेक्ट्स के मुताबिक होंगे तो हमारे पेज को फॉलो कर लें मजीद लिंक्स के लिए ठीक है थैंक यू ऑल वेरी मच ओके थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ दिस इज उरूज फातिमा फ्रॉम सैप Okay, Allah Hafiz.